हे स्पेक्टेटर्स, वेलकम बैक। तो आज हम ना नावेद से लड़ने वाले हैं, क्योंकि हर बार मैं नावेद से लड़ता हूँ। और क्या हुआ, अभी मैंने कुछ देर पहले यूट्यूब खोल के देखा तो यार नावेद और मेरा जो पार्ट टू था फाइटिंग का, वो भी अचानक से डिलीट हो गया। तो पता नहीं कैसे, कुछ बग हो रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ इस शोट में क्या होने वाला है इंट्रो के बाद। तो गाइस, यहाँ पर हुआ क्या था, दोस्त सब्स ने चैलेंज किया कि भाई तुम दोनों रऊफ और हम दोनों रहते। तो यहाँ पर ऐसा टीम है कि जो सब्स वर्सेस स्पेक्टेटिंग गेमर्स, ऐसी टीम है। तो पहला राउंड अभी चालू ही हो चुका है और नावेद और मैं तो यहाँ पर ये साइड आ गए रश करने को, मगर वो ये साइड नहीं थे, तो समझ सकते हो वो साइड से वो लोग हम पर रश करने गए। तो अब तक तो वो लोग भी समझ गए रहेंगे कि ये लोग वहाँ पर गए रहेंगे, क्योंकि वो लोग ने चेक कर लिया होगा कि वो वहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे आके चेक कर ही रहा था कि नावेद को पड़ गई। ओके, और डैमेज भी देखो यार, 500 से पूरा आधा कर दिया भाई। 500 की हेल्थ रखी है मैंने, 500 की HP, और नावेद का आधा हो गया। मतलब सोचो क्या भर भर के डैमेज दिया होगा उसको। ओके, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इधर से आ रहा हूँ, और उनको इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मगर साइड से आ ही गए वो लोग। तो एक बंदा नॉक करने के बाद दूसरे बंदे को भी पिन देते, और भाई को एम ही लग नहीं रहा था भाई, इसका तो एम ही नहीं लग रहा था मुझको। ओके, तो यहाँ पर दूसरा राउंड आ चुका है और अच्छी खासी लूट रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि समझ रहे हो ना, मतलब 1800 तो डिफॉल्ट कॉइन है, और ऐसा ना हो कि कोई फालतू सी गन रखेंगे हम, नहीं अच्छी खासी लूट रखेंगे, मतलब गन्स रखेंगे और खेलेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं, क्योंकि और इस तक इस मतलब वीडियो में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मतलब हर क्लैश स्क्वाड में वहीं पर जाता हूँ। ओके, और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई एक दिन, क्योंकि क्या बताऊँ अब आपको, नावेद ने तो रश कर दिया, पिटने वाला है वो मेरे को भाई, पिटने वाले का ऐसे लग रहा हो, क्योंकि नावेद हर बार रश करता है और हर बार पिट जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था, वीडियो क्यों लेट हुई, क्योंकि भाई मैं जब भी एडिट करने जाता हूँ यार, नावेद मुझे बुला के खेलने बोलता है, पता नहीं। और भाई इस मैच में मैं जीतने वाला वैसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई 1v2, और वो लोग भी अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है, अभी उनको लोकेशन का मालूम पड़ गया। चलो ओके, यहाँ पर मैं हील करने की कोशिश कर ही रहा था कि भाई कूद कब गया पता ही नहीं चला, और भाई कूदने के बाद डैमेज, और एक इंस्टेंट वॉल लगा के इसे नॉक कर दिया। इसका ध्यान कहाँ पे था मेरे को समझ नहीं आया यार, और मुझे ऐसा डायरेक्ट रश नहीं करना चाहिए था, एक वॉल लगा लेना चाहिए था। तो भाई 25 हेल्थ है और चढ़ रहा हूँ मैं उस पर, सोच रहे हो तुम 25 हेल्थ लेके कौन रश करते हैं। वन शॉट था ना, अगर उसके पास एमपी देती और वो बॉडी शॉट भी देता तो मैं 1 HP हो गया था यार फुल। तो चलो, यहाँ पर एक्समेट लेकर हम हर बार की तरह कटलिस्टिवा में आए, तो घरों के छत से ही जाएंगे, पता नहीं मुझे वहाँ से जाने की आदत हो गई है। तो हर बार की तरह ऐसे जा रहे हैं हम, और एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। यहाँ से मैं उनको स्पॉट करने की कोशिश कर ही रहा था, मगर वो दिखे नहीं। तो यार मैं समझ गया कि भाई एल शेप में जाके बैठे हो लोग, तो धीरे धीरे करके हम एल शेप के नज़दीक जा रहे हैं। नावेद चढ़ता है और मैं पीछे से कवर देता हूँ उसको हमेशा, या M18 रहती तो मैं चढ़ जाता हूँ ऐसा होता है, वरना मैं हमेशा X18 लेता हूँ, दूर से मारता हूँ बंदे को। और भाई इसको जो हेड लगा है ना अभी 181 का, मतलब जब भी कोई भी बंदा कूदता है ना कोई भी घर से, और मैं जब उसको डैमेज देता हूँ, तो भाई हेड तो कभी ना कभी लग ही जाता है पक्का, फिर ज़्यादा करके हेड लगा ही है। तो अब तो मैंने दोनों को ऊपर जाते हुए दिख लिया, तो वॉल फोड़ते हैं, वॉल के पीछे ही रहेंगे ना वो। तो भाई वो एमओ की कमी नहीं है भाई,
अनलिमिटेड एमओ है और सामने वाला वॉल लगा रहा है तो वॉल फोड़ते जाओ, क्योंकि एमओ की कमी नहीं है भाई। नावद ने अपने को पैक कर लिया और भाई दोनों बाहर है, तो मतलब मैं मुश्किल में हूँ, मगर वो भी है भाई। अभी मैं हुआ दोनों चढ़ने वाले हैं, और जैसे भाई देखो पहले उसके पास M18 है, M18 होकर दूसरा मेरे को पीछे से डैमेज दे रहा है, फिर भी एक्सेमेट से मैंने M18 वाले को नॉक किया, समझ सकते हो भाई। मतलब यहाँ पर अभी चौथा राउंड आ चुका है और हम दो राउंड जीत चुके हैं, वो लोग एक राउंड जीत चुके हैं। तो अभी हमेशा की तरह अच्छी खासी लूट रखी है, और पता नहीं मुझे एक्समेट काफ़ी पसंद आने लग गई आजकल, क्योंकि ये जो रेट ऑफ फायर वाली स्किन है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद आई थी जब ये फ्री में मिली थी ना, तब मुझे बहुत पसंद आई थी, इसके लिए मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। तो यार अब जब बंदे स्पॉट होंगे तभी मैं आपको आगे का बताता हूँ, तो चलो बंदे ढूंढने जाते हैं। और बंदे मिल चुके हैं वहाँ पर, उन्होंने वॉल लगाया और वॉल फोड़ने के बाद ना रीलोड करके, मतलब कभी भी आप वॉल फोड़ोगे ना तो भाई कवर में जाओ, रीलोड करो फिर मारो, क्योंकि भाई वॉल फोड़ने सामने सामने आपका डैमेज, मतलब डैमेज नहीं पड़ेगा उनको, तो नावे तो उसको संभाल लेगा, मैंने इसको देखा भागते हुए तो इसे मारते हैं, क्योंकि भाई ये पीछे से आके हमको मार सकता था और मुझे इसके पैर पे डैमेज देना चाहिए था। अभी मेरे पे दूसरा भी चढ़ गया, तो भाई मेरे को दूसरे वाले का बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि नावेद उस पे चढ़ा है और मुझे बस इसे मारना है। तो भाई हमेशा बोलता हूँ मैं, इन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा नावेद के साथ मेरा, तो भाई हमेशा बोलता हूँ कि भाई कभी भी हील करते हो आगे पीछे देख लिया करो, और जब तक बंदों की लोकेशन नहीं पता तब तक भाई हर तरफ से कवर लेने की कोशिश करो। ये यहाँ पे भी ऐसा हुआ भाई, पीछे देख ही नहीं रहा कोई, डैमेज पड़ने के बाद वॉल लगाने का क्या फायदा। ओके तो उसको तो नावेद संभाल लेगा, यहाँ पर भाई इसे भी कुछ पता नहीं है मेरा, हत्ता पता कुछ नहीं है, सीधा जा रहा है उन पर रश करने, मतलब भाई क्या। चलो नावेद ने तो उसको संभाल लिया था, तो मेरा काम था इसे संभालना, और देखो बस भाई अगर 500 हेल्थ है और तुम्हारे पास M18 है ना, तो भाई पाँच नहीं, हाँ वैसे 5-6 गोलियाँ मारने के बाद ही सामने वाला मरता है या नॉक होता है। तो यहाँ पर भी हमने बंदे स्पॉट कर लिया, देखो यार क्लॉक टावर सॉरी पुजिनो का है, और भाई बंदे डबल डोर में ना जाए ऐसा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा यार, हमेशा मैं जब भी खेलता हूँ बंदे डबल डोर में जाते ही है, तो अभी भी वो डबल डोर में है और उधर तक जाने का एक ही जरिया था कि रश कर दूँ उन पर, क्योंकि वो लोग ऐसे रश करने वालों में से तो है नहीं, तो मैंने वॉल लगा ली यहाँ पर और उन पर फुल रश करने लग गया। और भाई मेरा प्लान था कि नेट करके मारूँ उनको, तो बस देखो कैसा नेट करता हूँ, देखो इतने नेट करने के बाद एक बंदा तो नॉक हो गया और दूसरा वाला को नाव क्या है, तो यहाँ पर फिर से खाला। और अभी है 7वां राउंड और यहाँ पर मैं चढ़ने वाला हूँ ऊपर, और जिस जिसको भी ये जगह नहीं पता है ना भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, अब तक तो हर किसी को ये जगह पता है जहाँ पर मैं चढ़ा हूँ, केप टाउन में है। ओके और अगर आपको नहीं पता है तो यार पता हो अभी तो चल गया होगा, पहले तो वॉल लगानी है, बंदे को बोलना बैठ जाओ और उसके ऊपर चढ़ के समझ सकते। ओके तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई, और नावेद को नॉक करने वाला दिख गया मुझे अभी, और उसे भी मैंने नॉक कर दिया, तो उसे पूरा किल कर लेते हैं वरना उसका दोस्त उसे रिवाइव कर देगा। और
भाई मेरा ध्यान फुल वो वाले बंदे पे था यार, नावेद को रिवाइव देने को मेरा कोई ध्यान नहीं था। तो अब मेरे को नावेद बोल रहा है भाई मेरी लूट चली जाएगी, लूट चली जाएगी, मुझे रिवाइव दे, तो मैं रश करने चला गया। मगर मुझे पता नहीं, मतलब देखो अभी देखो अब बस मैं नावेद के पास जा रहा हूँ, और जैसे ही वॉल लगाई इतनी देर से वो उसने सामने वाले बंदे ने इसे कुछ नहीं किया, मगर जैसे ही मैंने रिवाइव देने आया, क्यों भाई क्यों, पहले ही मार देना चाहिए था ना, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना लेट मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले ही मार देते तो और अच्छा होता, क्या पता मैं रिवाइव दे देता इसको भी। ओके तो पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि तो मैं इसकी लोकेशन मालूम कर रहा था किधर है, और मुझे लेफ्ट वाले घर में डाउट आ रहा था, मैं राइट वाले में चला गया, और मुझे फुल लग रहा था कि भाई ये पीछे से आएगा मेरे, और वैसा ही हुआ, जैसे देख सकते हो मैं जा रहा हूँ और ये आ गया पीछे से, तो मुझे थोड़ा सा बीच में झटका लग गया, ऐसा भाई अचानक से आता है क्या, पीछे से पड़ गया। और भाई बंदा हील भी नहीं कर रहा है क्या, इतना बैठा है उधर, थोड़ा सा हील कर लेता तो अच्छा होता ना यार इसके लिए। तो यहाँ पर हो चुका हमारा बूया, और 6-1 स्कोर है, तो समझ सकते हैं। अभी नावेद के साथ वाली वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं क्या बग हो रहा है, तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को कर देना लाइक अगर अच्छी लगेगी तो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, घंटा दबा देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।